नमस्कार दोस्तों, कुछ एक रचना आप लोगों के बीच में आज साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कविता कैमा ने कल्पना, वीमा ने विचार और तामा ने तालमेल। कल्पना और विचार का तालमेल ही कविता होती है। दोस्तों, जब भी कभी कोशिश करते हैं लिखने की कुछ क्या, जब भी गज़ल लिखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा एक ही चेहरा ख्याल में आता है और उस पर लिखने की अब कोशिश करते हैं तो लिख भी देते हैं कभी कभी कि सोचता हूँ तुम पर कोई गज़ल कहूँ, लेकिन जो खुद मतले से मकते तक एक गज़ल है उस पर क्या गज़ल कहूँ। अब हम ठहरे ऑफिशियल सिंगल आदमी, अब क्या गज़ल कहें, अब तन्हाई में रुसवाई में ही गज़ल कह सकते हैं कि सोचता हूँ गज़ल कहूँ मैं भी तेरे प्यार में, सोचता हूँ गज़ल कहूँ मैं भी तेरे प्यार में, एक मेरे इजहार में और एक तेरे इनकार में। सोचता हूँ गज़ल कहूँ मैं भी तेरे प्यार में, एक मेरे इजहार में और एक तेरे इनकार में। तेरी रुसवाइयों से मैं खुद को तन्हा सा पाता हूँ, तेरी रुसवाइयों से मैं खुद को तन्हा सा पाता हूँ और अकेला सा हो जाता हूँ इस संसार में। सोचता हूँ गज़ल कहूँ मैं भी तेरे प्यार में। दोस्तों, रुसवाई जो शब्द आया इससे मुझे कुमार विश्वास जी की चार लाइनें याद आ गई। भरी महफिल में मुझे रुसवा वो हर बार करता है, वो मेरा है इस एहसास से इनकार करता है, और पता है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है मुझी से केवल प्यार करता है। और अब वो जब हमसे दूर है तो कैसा लगता है, क्या एहसास होता है, इसको भी एक मुक्तक के माध्यम से मैं आप लोगों तक साझा करना चाहूँगा। कि रात होती नहीं है तुम्हारे बिना, रात होती नहीं है तुम्हारे बिना, दिन गुजरता नहीं है तुम्हारे बिना, रात होती नहीं है तुम्हारे बिना, दिन गुजरता नहीं है तुम्हारे बिना, कैसे मानूं कि तू अब है ही नहीं, कैसे मानूं कि तू अब है ही नहीं, दिल धड़कता नहीं है तुम्हारे बिना, दिल धड़कता नहीं है तुम्हारे बिना। धन्यवाद।